The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So today we will talk about some very important research. 2020 mein एक हैरिंगटन प्राइस अवार्ड मिला है सिकल सेल डिजीज के रिसर्च को. इस चीज़ को हम डायरेक्ट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से आपके पास लेकर आ रहे हैं कि भाई बहुत ही बढ़िया रिसर्च है. ये सेवेंथ एनुअल हैरिंगटन प्राइस है फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन. ये मिला है डॉक्टर स्टुअर्ट ओक्रिन को और साथ में डेविड नेथिन को जो कि पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में. और इनका मिला है ये अवार्ड. ये प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हैरिंगटन डिस्कवरी इंस्टीट्यूट से मिलता है. बहुत अच्छे जो आविष्कार होते हैं मेडिकल फील्ड में उस चीज़ के लिए. अब इसमें ये जो डॉक्टर्स हैं ओर्किन जो हैं ये ऑलरेडी रेड ब्लड सेल्स और उनके सिकल सेल डिजीज़ बीटा थैलेसीमिया इसकी रिसर्च में और इसके रिसर्च के काफ़ी ब्रेक थ्रूज के लिए जाने जाते हैं. ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई ऐसी जानकारी जो हमें मिलती है जो कि आगे चल के उस बीमारी को या तो समझने में या सुलझाने में सॉल्व करने में बहुत मदद आएगी. राइट. सो सिकल सेल डिजीज़ ये क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है जो डीएनए के अंदर आपके डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है बचपन में ही कि आपके हीमोग्लोबिन आपका हीमोग्लोबिन ब्लड ब्लड सेल्स के अंदर जो होता है वहाँ पर इशू आ जाता है. नॉर्मली आपका बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन से बीटा ग्लोबुलिन चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर रेड ब्लड सेल में जो कि हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके प्रॉपर हीमोग्लोबिन बनने से वो ऑक्सीजन को ट्रैप करके कैरी करके आपके बॉडी के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. सिकल सेल डिजीज में ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, ये आरबीसी का शेप ही चेंज हो जाता है. रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज और ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, सिकल हो जाते हैं, गोल की जगह ऐसे सिकल शेप आधा चांद बन जाता है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल पॉलीमराइजेशन ऑफ द सिकल्ड हीमोग्लोबिन इन द सिकल सेल डिजीज आरबीसीज. सो आरबीसीज जो है वो छोटे मोटे खून की नसों में स्टक हो जाते हैं, नंबर एक. नंबर दो, वो ऑक्सीजन को नहीं पकड़ पाते और स्टक होने से ब्लड फ्लो ब्लॉक कर देते हैं, टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, क्लॉट्स बना सकते हैं और ऐसे डैमेज होता है तो इंटेंस पेन होने लगता है जिसको सिकल सेल क्राइसिस बोला जाता है. और ये बहुत कॉमन है, मान लीजिए बहुत सारे लोगों को होता है दुनिया भर में, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप मान सकते हैं 75,000 से ज़्यादा केसेस उसके हर साल आते रहते हैं. इस तरह से मान सकते हैं केसेस हैं पूरी दुनिया में, मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, दिस वी कैन से 75,000 इज ओनली इन द यूएस, वी हैव द डाटा फ्रॉम द यूएस, दैट्स व्हाई. सो सिकल सेल डिजीज एडल्ट्स फॉर्म में भी हो सकता है. एडल्ट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बी अफेक्टेड, मतलब उसमें दो तरीके हैं. देखिए हीमोग्लोबिन का एक एडल्ट फॉर्म होता है और एक फीटल फॉर्म. फीटल फॉर्म जो है वो बर्थ के टाइम पे शट ऑफ हो जाता है. फीटल हीमोग्लोबिन बर्थ के पहले होता है, बर्थ के बाद नहीं आता. एडल्ट फॉर्म जो है बाद में आना शुरू हो जाता है. अब ओर्किन ने क्या किया, इन्होंने क्या रिसर्च किया कि इन्होंने डिस्कवर किया है कि एडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन को कैसे स्विच कर सकते. How the switch between fetal and adult hemoglobin is controlled? This is a big long-standing mystery. अब इससे क्या होता है, हम इससे नया तरीके से normal fetal hemoglobin को reactivate कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे patient जिसमें adult hemoglobin खराब हो रहा है fetal hemoglobin ठीक रहेगा. Specifically अगर इसमें बात करें तो एक gene है, लेबोरेटरी में उन्होंने ये देखा कि एक जीन है जिसका नाम दिया गया BCL11A. BCL11A जो है ये जीन जो है फीटल हीमोग्लोबिन को बनने से आगे चल के रोक देती. तो अगर ये जीन को नहीं आने दें, इसको ब्लॉक कर दें, तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो एडल्ट में भी, बच्चों में भी, बड़ों में भी आते रहेगा. इससे क्या होगा, इससे
आपके सिकल सेल वाले पेशेंट्स में एक नॉर्मल फंक्शनिंग हीमोग्लोबिन आने आ जाएगा. इट कैन बी अ पोटेंशियल क्योर फॉर देम, इट कैन बी अ पोटेंशियल क्योर फॉर देम. और इसको बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑर्किन और डॉक्टर डेविड ए विलियम्स ने, इन्होंने इसको की जीन है, जीन को ट्रांसलेट करना पड़ता है, जेनेटिक थेरेपी करनी होती है, तो जेनेटिक थेरेपी का ट्रायल किया उन्होंने, ट्रांसलेट किया और इसके पेशेंट्स में जीन थेरेपी ट्रायल में जिन्होंने BCL11A के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया, इसमें ड्रामेटिक क्लिनिकल रिजल्ट्स आए हैं इन द फर्स्ट पेशेंट, जो वैलिडेट कर रहा है कि ये थेरी काम करेगी. आप BCL11A जीन को ब्लॉक कर दोगे तो सिकल सेल डिजीज खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. दिस इज अ प्रॉमिसिंग प्रिलिमिनरी फाइंडिंग और वेरी वेरी, इसको अब इसको लार्ज स्केल में स्टडी किया जाएगा. अगर ये बनता है तो सिकल सेल हो सकता है आगे चल के भैया दुनिया से खत्म हो जाए. एक सिंपल सी एक जीन थेरेपी होगी आगे चल के. ऑल्दो जीन थेरेपी इज नॉट अ स्मॉल थेरेपी, इसके ऊपर रिसर्च होंगे, पता चलेगा आगे कि कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं. द सिकल सेल कम्युनिटी जो है एक गेम चेंजर, कंप्लीट गेम चेंजर निकल के आएगा. सो डॉक्टर ऑर्विन ऑर्किन, ऑर्किन का वर्क बहुत ही ज़्यादा जोरदार है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, आपको बताना ज़रूरी था. सो आई होप आपको समझ आया इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ हिमाटोलॉजी, द डिस्कवरी ऑफ BCL11A जीन, द मास्टर रेगुलेटर ऑफ हीमोग्लोबिन जीन स्विचिंग बिटवीन फीटल हीमोग्लोबिन एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन, एंड वी हैव टू स्टार्ट द फीटल हीमोग्लोबिन ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो दिस इज द रिसर्च विच हैज गॉट द 7th हैरिंगटन्स प्राइज फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन. सो अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर लिखिए. सिकल सेल के बारे में हमारे वीडियोज़ हैं और भी हैं, ज़रूर देखिए. और ऐसे वीडियोज़ आप देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, शायद किसी सिकल सेल डिजीज़ वाले पेशेंट के ये काम आ जाए. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.